जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपसे ये कहना था कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और अपनी फैमिली और दोस्तों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें और भी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। थैंक यू। मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ टोरंटो के मशहूर तरीन जो है इंटरसेक्शन पे, और ये डंडास स्क्वायर है। और मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, डंडास स्क्वायर की वही पोजीशन है जो न्यूयॉर्क के अंदर टाइम्स स्क्वायर की है। और न्यूयॉर्क के लिए तो कहते हैं द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, और वो वाकई सही है। और टाइम्स स्क्वायर पे आप किसी भी वक्त चले जाएँ, 365 दिन या 66 दिन जब लीप ईयर होता है तो उसमें चले जाएँ 24 आवर्स, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि दिन है या रात है। लोग हर वक्त जो है वहाँ मौजूद रहते हैं, आते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं। तो इसी तरह ये डंडास स्क्वायर है। आज ये फ्राइडे है, आफ्टरनून है, और शाम के जो है तकरीबन 2:30 बजे हैं या 2:45 हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और मूवी लगी है द किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, जिसका काफ़ी अरसे से मैं इंतज़ार कर रहा था। थर्सडे से लगी है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहाँ IMAX में लगी है। और यहाँ का IMAX जो है डंडास स्क्वायर के सिनेमा का, वो कनाडा में मेरा ख्याल है नंबर 1 है। बाकी जगहों पर भी IMAX है, लेकिन वो आप ये समझें कि इससे वो कम है, कोई किसी हैसियत से, कोई किसी हैसियत से। मेरे भतीजे ने मुझे बताया था कि नहीं, वॉन के अंदर जो सिनीप्लेक्सेस हैं वहाँ पर जो IMAX है वो इससे भी बड़ा है और इससे ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा वहीं वहाँ कभी जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कोशिश करूँगा कि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम उनके तरफ जाता हूँ फिंच वेस्ट में, तो स्पेशली इस काम के लिए जाऊँगा कि वो मूवी देखूँ। और वहाँ पर वो बताते हैं कि IMAX में जो है वो उनका स्क्रीन जो है वो जितना नॉर्मल होता है उससे भी ज़्यादा खुल के, और 360 तो नहीं, ऐसे देखें नॉर्मल स्क्रीन 180 का होता है सीधा, और आपको पता है 90 डिग्रीज क्या होती है, तो 180 का होता है। तो वो कह रहे हैं वो 180 का नहीं है, 180 में आप जो है 90 और मिला दें तो वो हो गए 250 होंगे। तो कहने लगे कि मूवी में जब कोई ख़ास सीन आता है तो वो उसको जो है दोनों तरफ से स्क्रीन जो है वो बढ़ता है, और वो एकदम जो है उस बड़े ख़ास सीन के लिए, वैसे नॉर्मल जो है 180 में चलता है। मैंने कहा ये तो बड़ा अनयूजुअल जो है एक्सपीरियंस होगा, तो देखते हैं क्या है। और यहाँ पर मैंने जो है 5 बजे का टिकट बुक कराया है। मैं आज हॉस्पिटल में गया था तो वहाँ पर उन्होंने मेरा जो है वो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर केविन वर्कहंटर, तो उन्होंने मेरा जो है आज अल्ट्रासाउंड करवाया है पूरे थ्रोट का। कहने लगे कि ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आज आपकी जितनी उम्र हो गई है और आपने हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी करवाई थी 2015 में, आप डायबिटिक भी हैं, तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं क्या किसी भी चीज़ को मैं नो तो करता नहीं, हालांकि यहाँ पर जब तक पेशेंट एग्री नहीं करता, मैंने तो अपने आप को पेशेंट वैसे कभी समझा ही नहीं, अभी तक भी समझता हूँ कि मैं 18 साल का हूँ। चलें जो भी है, मतलब दिल तो 18 साल का है, हार्ट भी, माइंड भी, सोल भी, लेकिन बॉडी जो है कभी कभी बताती है कि नहीं भाई तुम 18 साल के नहीं हो। एज अपनी जगह पर है, वैसे भी कहते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो ये मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और ये साहब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये बहुत बड़े गुरु हैं उसके, चेस के, जिसे हम शतरंज कहते हैं, और ये चैलेंज करते रहते हैं। उन्होंने ये बिछा के रखा हुआ है। तो आज चूँकि यहाँ पर रिमझिम बारिश जो है पिछले 3-4 दिनों से हो रही है, रात को होती है, हमें तो पता नहीं चलता सुबह को, रात ही में जब बालकनी में खड़ा था तो थोड़ी बहुत हो रही थी, रात को काफ़ी ज़्यादा हुई है। सुबह को उठ के जब बालकनी में जाता हूँ तो वहाँ पर पानी का एक कतरा भी आपको नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर भी आप देखें बारिश हुई है, रात भी हुई है, पिछले 3-4 दिनों से हो रही है, लेकिन कहीं पर भी आपको पानी का कतरा जो, वहाँ पर एक है थोड़ा सा ज़रा सा पता नहीं कोई डिप्रेशन वगैरह जो है उसकी वजह से है। रोड्स को आप देखें कहीं पर भी पानी नहीं। अब ये रोड जो है ये 6 लेन है, 6 गाड़ियाँ जो आ भी जा सकती हैं, और देखें फुटपाथ कितनी चौड़ी है दोनों तरफ, और आगे जाएंगे तो फिर बाइसिकल का जो है वो सेपरेट पोर्शन भी साथ साथ चलते हैं। और ये जो स्ट्रीट है आपको जहाँ ये गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही,
इसका नाम योंग स्ट्रीट है। और जैसा कि पहले मैंने आपको कई बार बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है। आप कहेंगे सर दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट क्या क्या मतलब, ये स्ट्रीट तो नहीं है, ये बहुत बड़ा है। तो कहीं पर इनको स्ट्रीट कहते हैं, कहीं पर जो है बुलेवार्ड कहते हैं, और कहीं पर जो है वो रोड कहते हैं। रोड उनको कहते हैं जहाँ पर यही सड़क जब शहर से बाहर निकल जाएगी तो रोड इसका नाम हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। और इसकी लंबाई जो है वो 56 किलोमीटर है, 56 किलोमीटर्स। और वो मैंने देखा है गूगल में उसका मैप निकाल के, कंटिन्यूस है। और सिर्फ एक जगह पर कहीं जब शहर से ये बाहर निकल जाती है, नॉर्थ को जा रही है, अब इस तरफ ये साउथ है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, और वो जो जा रही हैं वो भी साउथ को जा रही हैं। साउथ में ये जहाँ पर जाकर जो है ये योंग स्ट्रीट ख़त्म होती है या एंड होती है, तो वहाँ पर जो है वो झील है और उसका नाम लेक ओंटारियो है। मैं पहली बार कई बार आपको पहले बताया है। और उसके साथ वो जो दूसरी रोड है सामने, आप देखें ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन जो है यहाँ पर जो है बहुत कॉमन इसका यूज़ होता है, जहाँ पर दो सड़कें या दो बुलेवर्ड्स या दो स्ट्रीट्स आप अपने आप को क्रॉस करती हैं, तो वहाँ पर जो है वो इंटरसेक्शन होता है। और जब भी आप किसी को एड्रेस बताते हैं तो आप बताते हैं कि मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ, ये जो है क्रॉस सेक्शन है, और ये जो है योंग और डंडास का क्रॉस सेक्शन है। तो ये दूसरी सड़क जो इस तरफ जा रही है, ये देखें ये जो है जिस पर ये ऊपर सिनेप्लेक्स जो है सिनेमाज हैं, और डालरामा है, लिटिल कैनेडा है, स्प्रिंग जो सुशी है, और जैक एस्टर्स भी है, और काफ़ी ऊपर चीज़ें हैं, द बियर स्टोर भी है, और वो TTC है नीचे, वो डंडास स्टेशन की TTC है। और जो है वो बंदा देखें सामने खड़ा हुआ है, तो उस आदमी ने कोई चीज़ गिराई है तो उसने उसको कहा कि जाओ और उसको उठाओ, अब उसका वो थैंक यू कर रहा है। तो यहाँ पर गोरे इस तरह भी करते हैं। मैंने बताया था एक बार जो है मेरे हाथ में जो है पानी की बोतल थी, बॉटल्ड वाटर की बोतल थी, जो मैं जब कज़न के घर जाता हूँ तो वो मुझे देते हैं। वैसे हमारे घर पे शुरू में तो लाती थी मेरी जो है डॉक्टर इंडा, लेकिन बाद में उस गोरे ने मुझे डांटी पिलाई। ये देखें उसको, ये इस तरह हाथों को मिलाना जो है उससे एक किस्म का वेलकम या जो भी है और शाबाश है। तो ये चैलेंज करता है, चैलेंज क्या करता है, आज तक मैंने देखा नहीं कि कोई इसको हरा सके, वरना ये शतरंज को नीचे रखता है। नीचे क्योंकि पानी है इसलिए ये ऊपर बैठा है, और इससे लोगों को कम नज़र आता है, वरना वो सड़क के वहाँ बीच में ये रख के बैठ जाता है तो वहाँ ज़्यादा विजिबल होता है। तो मैंने देखा है कि ये फिर लोग जब इससे हार जाते हैं तो इसको एज अ टोकन ऑफ लव और अप्रिसिएशन जो है कोई $10 देता है, कोई $5 देता है, कोई $15 देता है, और उसके साथ जो है पिक्चर्स बनवाते हैं। तो मैंने भी आया था, मैंने इसको हाई की थी, तो ये फिर जो लोग इसको इस तरह से हाई करते हैं, तो मैंने पूछा कि डू यू रिकगनाइज मी, तो उसने यस कहा। हाँ पता नहीं रिकगनाइज किया है नहीं, ऐसे तो पता नहीं सैकड़ों लोग होंगे जो इसके फैन होंगे। ये सूरत हाल है। ये रेड कलर की गाड़ी है जो मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वाइट जो है वो भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गाड़ियों में मेरा फेवरेट कलर जो है वो हाफ वाइट कह लें या थोड़ा सा गोल्डन टाइप है। क्योंकि मेरी जो आखिरी गाड़ी थी वहाँ हैदराबाद में वो होंडा सिविक थी ऑटोमेटिक, जो कि मेरे ग्रैंड सन की फरमाइश पर मैंने ली थी। तो मैंने नाम तो उसका लगाया कि तुम्हारी वजह से ली है, लेकिन मेरी भी ये ख्वाहिश थी काफ़ी अरसे से कि उस गाड़ी को क्रोजमेटिक कहते थे, मतलब ऑटोमेटिक को क्रोजमेटिक कहते थे। और आपको पता है होंडा जो है तो फेवरेट गाड़ी है। एक वक्त था जब सबके पास होंडा थी, मेरे पास भी थी, मेरी बेटी जो है बड़ी वहाँ पाकिस्तान में उसके पास भी थी, यहाँ पर मेरी जो बेटी है छोटी वाली उसके पास भी, उसके शोहर के पास भी जो है वो होंडा जो है अकर्ड थी। और इसी तरह सारे मेरे जो बच्चे हैं चारों उनके पास, और मेरे पास मेरे बेटे जो है छोटा मनोज उसके पास भी जो है वो होंडा थी, लेकिन वो गियर वाली गाड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यंग जनरेशन जो है, तो मेरे ग्रैंडसन जो है वो ली तो उनकी वजह से ली मैंने, तो शुरू में तो ऑटो चलाते हैं, मैं बैठा हूँ तो ऑटो चलाते हैं, लेकिन उसको भी वो गियर लगा के चलाते हैं, कहते हैं इसमें मज़ा आता है, गाड़ी ज़्यादा तेज़ भागती है आपकी मर्ज़ी से। और ऑटोमेटिक गियर जो है वो तो अपनी मर्ज़ी से चेंज होते हैं। मैंने कहा भाई जो मर्ज़ी है करो, जो अच्छा लगता है वो करो। ये सामने जो है वो सैमसंग का सबसे बड़ा स्टोर है या हेड ऑफिस है,
यहाँ पर लिखा हुआ है एक्साइटिंग चेंजेस आर कमिंग। तो अभी उसकी रेनोवेशन हो रही है, हालांकि अच्छा खासा था, लेकिन ये यहाँ पर इनका जो है ये होता है, अच्छी खासी चीज़ को जो है वो कहते हैं दोबारा बना लेते हैं। सामने है, देखें एडवर्टाइजमेंट है, ये टोरंटो का ईटिंग सेंटर है जो दुनिया के बड़े जो है मॉल्स में इसका शुमार होता है। 4 फ्लोर इसके हैं, वो सामने HM है और ये हफ्ते के 7 दिन खुला होता है। वो सामने जो है रॉजर्स का है, रॉजर्स जो है यहाँ की नंबर 1 कंपनी है, और जो भी नई कंपनी खुलती है जो अपने रेट्स वगैरह वो कम रखती है, जैसे कॉमन मैन या गरीब लोग ले सकते हैं। आप सोचते होंगे सर यहाँ पर भी गरीब होते हैं, तो हाँ भाई यहाँ पर भी बिल्कुल गरीब होते हैं। गरीब से मुराद है वो लोग जो यहाँ नॉर्मल तनख्वाह जो है इस तरह कंसिडर किया जाता है कि शोहर भी कम से कम $3,000 महीने के कमा रहा हो और उसकी बेगम भी $3,000 महीने की कमा रहा हो, तो अगर दोनों की आमदनी $6,000 है तो उसमें फिर टैक्स वगैरह भी कटता है। अगर उनका जॉब जो है उसमें वो फिर पेंशन का और वो जो प्रोविडेंट फंड की है वो भी डिडक्शन होती है, इनकम टैक्स भी डिडक्ट हो जाता है। तो अगर किसी की 3,000 भी है तो उसको जो जेब में मिलेंगे वो तकरीबन $250 के करीब मिलते हैं, क्योंकि मैंने मेरे बेटे छोटे हैं उसके केस में या मेरी बेटी या मेरे दामाद के केस में देखा है, वो कहते हैं अबू आप ये नहीं समझे इतने पैसे हैं, कट कटा के मुझे इतने मिलते हैं। मैंने कहा भाई कट कटा के मिलते हैं, अगर आपके पैसे जमा हो रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा और फिर आपको उसकी पेंशन भी मिलेगी। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको 3-3 पेंशन भी मिलती है, एक जो उन्होंने जॉब किया हो जिस कंपनी में या जो भी है उसकी पेंशन होती है, एक जो है वो अपना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होती है जो कि जैसे ही बंदा 65 ईयर्स का होता है तो उससे 1 साल पहले ही उसको कागजात उसके घर पे आ जाते हैं और वो आप फिलअप करके वो सारी चीज़ें जब उनको भेज देते हैं तो वो आपकी पेंशन जो है वो शुरू हो जाती है। एक तो पेंशन होती है और उसके साथ एक और होता है कि उसमें एडिशन होती है कि उसके वर्ड्स तो मैं भूल गया हूँ, मिनिमम जो है पैसों को आपकी पेंशन को मिनिमम उन पैसों के बराबर लाने के लिए जो कि ये खुद उसका एस्टीमेट करते हैं और दिन उसको बढ़ाते जा रहे हैं कि एक फैमिली को जैसे मैं और मेरी वाइफ मेरे दोनों ने इकट्ठा फॉर्म भरा है, हम अलग अलग भी भर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ चालाकी करते हैं, मुझे भी किसी ने कहा था कि आप अपना अलग अलग भरें तो उससे आपको फ़ायदा होगा और आप ये शो करें कि आपकी वाइफ जो है और आप में जो है डिवोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं, आपके सेपरेशन हो गई है। तो सेपरेशन का मतलब ये है कि डिवोर्स तो नहीं हुई है लेकिन दोनों नाराज़ हैं और एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, तो उनकी एड्रेस आप दूसरी लिखवा दें अपनी बेटी की, इस तरह आप दोनों को ज़्यादा पेंशन मिलेगी। मैंने कहा एक तो ये लोग पेंशन दें, हमने यहाँ आकर किया क्या है, जब से आए हैं इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ और सारी ये फैसिलिटीज़ मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री है, 65 पे तो सबकी फ्री हो जाती है। मैंने कहा हम तो जब से आए उस वक्त जो है किसी भले आदमी ने बताया था यहाँ इनका ट्रिलियम हेल्थ केयर जो है वो भी प्रोग्राम होता है, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, हमारी जो प्रोविंस है ओंटारियो उसका है, और उसमें वो ये देखते हैं कि अगर किसी बंदे का या फैमिली की इनकम जो है एक ख़ास इनकम से नीचे है, इस वक्त उन्होंने वो ख़ास इनकम जो है कपल की जो है वो $32,000 रखी हुई है। मेरी इनकम जो है या मेरी वाइफ की इनकम, वाइफ तो अपने घर पे रहती हैं, मेरी इनकम जो है वो पिटारों की जो है पेंशन वो थी, तो जब आया था तो उस वक्त मेरी पेंशन जो है ₹55,000 थे पाकिस्तान के, तो उसके डॉलर ज़्यादा बनते थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन टोटल पूरे साल के मिला के तकरीबन जो है माना महीने के तकरीबन 600 बनते थे, $605, तो साल के मिलाकर जो है 7200 या ऐसे कुछ बनते थे। तो इनका 10,500 जब तक नहीं हो तो आपसे कोई भी ज़रा सा भी टैक्स नहीं होता, तो 10,500 तो थे ही नहीं, तो इनकम अगर कपल की मिला के $32,000 से कम हो, $1 भी कम हो, तो फिर उनको वो ट्रिलियम प्रोग्राम जो है वो दिया जाता। तो हम दोनों का वो शुरू हो गया था, उसमें ये था कि वो साल का सिर्फ $100 हमसे लेते थे, वो $100 भी ऐसे हर 3 महीने के बाद $25 करते थे, फिर 3 महीने के बाद 25 और इस तरह, जो किसी पे बर्डन ये नहीं डालते। तो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स उसको भी इसी तरह लेते हैं, दो
बल्कि चार जो है इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। हम तो जो है वो डे वन से लेके मैं तो पूरे छः महीने और दूसरे छः महीने का दे देता हूँ, क्योंकि छः महीने से ज़्यादा आप देना चाहें तो वो लेते नहीं हैं। और अगर छः महीने का आपने टैक्स पे किया हुआ है तो जब आप वो घर बेचते हैं तो वो पैसे जिसको आप घर बेचते हैं वो आपको पे करेगा, क्योंकि आगे जितने भी दिन बचे होंगे उसमें जो आपका वकील बीच में होगा वो लेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वकील वगैरह या एजेंट को बीच में नहीं लाते हैं, रियल इस्टेट के एजेंट को, खुद ही आपस में सौदा कर लेते हैं, तो उसमें भी वो सारा हिसाब किताब जो है वो क्लियर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं अभी यहीं पर ही हूँ, 4:45 बजे तक बाहर बैठा हूँ, ये मूवी 5 बजे शुरू होगी, 4:30 बजे जो है ये शुरू कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट और ये और वगैरह। तो मूवी का टाइम 5 है, लेकिन ये हमेशा मूवी जो है 5:10 पर शुरू करते हैं, कि क्योंकि वो लोग जो बिग गन्स हैं या वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है या वो लोग जो अपने आप को कूल साबित करना चाहते हैं वो ठीक 5 बजे पहुंचते हैं। मैंने कुछ लोगों को तो देखा है कि उन्हें पता है मूवी जो है टाइम एक्चुअल टाइम से 10 मिनट बाद शुरू होगी, तो वो ठीक जो है जब 5:10 होंगे या 5:08 होंगे उस वक्त वो हॉल के अंदर एंटर होते हैं। और कुछ हमारे भाई जो ढीले हैं या ढीलू हैं वो तो मूवी शुरू हो जाती है कोई 2 मिनट बाद, कोई 5 मिनट बाद, कुछ मैंने देखा है आधे घंटे के बाद भी पहुंचते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप भले मूवी में आएँ और आपको आधा घंटा गुजर जाए, बल्कि मैंने तो यहाँ तक भी देखा 1.25 घंटा भी गुजर जाए मूवी देखते हुए, तो आप वापस जाएँ वहाँ पर जो है जहाँ से टिकट्स मिलते हैं और आप उनको कहें कि आई डू नॉट लाइक दिस मूवी, दिस इज़, कुछ गलत वर्ड्स इस्तेमाल करें, यहाँ आप कहें कि मेरी तबीयत सही नहीं है, सर में दर्द हो गया है या घर से कॉल आ गई, इमरजेंसी हो गई। तो जैसे लोग झूठ बोलते हैं तो वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते और वो आपको पूरे के पूरे पैसे जो है वापस लौटा देते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड से पे किया है तो वो क्रेडिट कार्ड में आपके दोबारा जो वो पैसे डाल देते हैं, और अगर आपने कैश दिया है तो वो कैश आपको देते हैं। वो पूछते हैं क्रेडिट कार्ड से दिए हैं या कैश दिया है, तो अगर आप झूठ बोलेंगे मैंने कैश से दिया है तो आपको कैश दे देंगे भले आपने क्रेडिट कार्ड से दिया, लेकिन झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें हैं, मेरी बातें तो ख़त्म होंगी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से और फैमिली से इसको शेयर करें, और अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फैमिली और दोस्तों से भी कहें कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आइंदा मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो फौरन आपको जो नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देखें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि वो आपकी टाइमलाइन पे या अगर आपका टीवी पर वो खुद ब खुद वो वीडियो आ जाती है, बाकी देखना या ना देखना वो तो भाई आपका है। सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते, ये तो आपको भी पता है, आप खुद नहीं कर सकते तो किसी को कह दें, अपने बेटे को या किसी को या बेटी को कि बेटा तुम कर दो, सर बार बार जो है सर खाते हैं हमारा, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है। या अगर आप मेरे जैसे हैं, आप कहें कि मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करना आता, तो फिर गुड लक फॉर यू, लव यू ऑल। आप अपना और अपनी फैमिली के तमाम फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का, इस्पेशली अपने पेरेंट्स का, छोटे बच्चों का, अपनी बेगम का, अपने दोस्तों का और सब लोगों का। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।